everyone. Hi, a very warm welcome to our channel here, that is Class Apart, and I welcome all the students of class 9. So students, today we are going to discuss the second part of our chapter, that is drainage. So फटाफट जिन बच्चों के पास Academy Learning app नहीं है, जल्दी से install करो and ace in your exams with an Academy. अगर आप plus का subscription लेते हो या फिर iconic subscription लेते हो, you are going to get flat 10% off using my code, that is APRI10. I'm Anupriya, your social science educator. And this is my extra chodu sa introduction. I've completed my post-graduation in modern history from Miranda House Tel University. Mentored almost 10,000 students, have more than 3 years of experience in online teaching, and I've co-authored 2 books on the subject history for classes 9th and 10th. तो बच्चा लोग, whenever we are talking about some amazing features of an academy, सबसे important feature है अपना subscription. तो जिन बच्चों ने अभी तक subscription नहीं किया है, फटाफट ले लो, क्योंकि you guys are going to get a lot of benefits taking an academy subscription, whether it's plus or iconic. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन हियर, एक अपना प्लस होता है, दूसरा आइकॉनिक होता है. फीचर्स क्या क्या है तो यहाँ पे थोड़ा समझ रहे थे. सो आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, वी हैव अ कंप्लीट बैच कोर्स. बहुत सारे बैच कोर्स होते हैं जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं. तो आप कोई भी, यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैच कोर्सेज हियर, एंड यू गाइस कैन लर्न लाइव फ्रॉम होम आराम से बैठकर. रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन होते रहते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज होता है पूरे सिलेबस का, मेंटरशिप गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटीरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है, आपके नोट्स बनाने में काफी आने वाला है. प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट सीरीज तो हमेशा होती रहती है, तो मतलब इसको मिस नहीं करना है. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है. डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपके पास लिंक दिया रहेगा. व्हेनेवर यू गाइस वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स, उनको बताना कि अनु मैम ने बोला था कि यहां पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का लॉजिक है 9th 11th 12th का 3 मंथ से लेके 48 मंथ तक वैरी करता है. मतलब कि मंथली सब्सक्रिप्शन है बच्चों और मंथली पेमेंट भी है. फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आफ्टर डिस्काउंट आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 1125 रुपीस, और टोटल आपका अमाउंट हो जाता है 13,500. यहाँ पर अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो. हमेशा आपके पास ऑप्शन आता है टू एंटर अ रेफरल कोड. प्लीज यूज माय कोड APRI10. टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है भाई, तो जिन बच्चों को बनना है लाइफ में आइकॉनिक, ले लो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. यहाँ पर प्लस की तो सारी फीचर्स है ही, उसके अलावा पर्सनल मेंटर आपके लिए हमेशा ऐप में प्रकट रहेंगे 24/7 आपके लिए, आपको गाइड करने के, आपके सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकालने के लिए रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ इश्यूज दैट यू आर हैविंग इन योर स्टडीज, ठीक है. उसके अलावा लाइव रोड सोल्यूशन मिलता है फ्रॉम योर एजुकेटर्स इटसेल्फ. वीकली रिपोर्ट मिलेगा आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए. पेरेंट्स यहाँ पर मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नो कि मेरा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है. तो पीटीएम वाला थोड़ा अपना माजरा यहाँ पर हो जाता है बच्चों. यहाँ पर आपको स्टडी प्लानर भी मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेज अ हैंड फीचर, जो आपको यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक दोनों में मिलता है. व्हाट डज इट मीन, यहाँ पर रेज अ हैंड फीचर वो फीचर है बच्चों की, ऐसे तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखते हो या फिर आप अपने टीचर से कुछ भी पूछते हो, राइट. लेकिन यहाँ पर आपके लिए रेज अ हैंड फीचर है दैट यू गाइज कैन ऑलवेज एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम यू गाइज कैन ऑलवेज गो एंड टेक एनी लाइव क्लास अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, और वहाँ पे आपके पास कोई भी डाउट्स है आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर सकते हो. यू गाइज रीड टू जस्ट यूज द फीचर रेज अ हैंड, एंड अगर आपने आपके एडुकेटर ने आपको अलाउ किया देन यू गाइज कैन ऑलवेज गो एंड आस्क द क्वेश्चन, ओके. तो यहाँ पर अपनी मधुर ध्वनि सुनाकर अपने डाउट्स पूछ सकते हो. यहाँ पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 9th 11th 12th का 3 मंथ से लेकर 48 मंथ तक वैरी करता है बच्चों. 12 मंथ्स की अगर हम बात करें तो आइकॉनिक में प्राइसेस थोड़े अप होते हैं बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस आइकॉनिक रीजंस. तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ 2100 रुपीस, टोटल अमाउंट अपना हो जाता है 25,200. आप यहाँ पर 10% डिस्काउंट ले सकते हो यूजिंग माय कोड APRI10. जी हाँ बच्चों, मेरा शॉर्ट कोड मतलब शॉर्ट फॉर्म है अनुप्रिया मैम का APRI. 10% से तो 10 नंबर याद रहेगा ही रहेगा, मेरा रोल नंबर बचपन से हुआ करता था. तो बच्चों चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज ड्रेनेज. तो यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में वी टॉक्ड अबाउट द हिमालयन रिवर्स, जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम और उसके अलावा हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था. तीसरा इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम जिसके बारे में आप सारे बच्चों को पता है, दैट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और द ब्रह्मपुत्र बेसिन दैट वी नो ऑफ. तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, नाम तो सुना ही है. जब भी हम नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज की बात करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अरुणाचल प्रदेश असम वाला रीजन, वहां पे आपको पता है दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज द ब्रह्मपुत्र रिवर. तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, इट राइजेस इन तिब्बत. ये मत सोचना कि इंडिया में इसको ओरिजिन है. ओरिजिन का है बच्चों तिब्बत में, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, राइट. तो यहाँ पर मानसरोवर लेक सभी बच्चों को याद रखना है, क्योंकि इंडस में भी आप बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा था अबाउट द ओरिजिन. नाउ इट इज वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ इंडस एंड सतलज. यस,
आपको ये बात मैंने ऑलरेडी बता रखा है. नाउ ऑन रीचिंग नामचा वर्मा, नामचा वर्मा की जब हम बात करते हैं बच्चों, दिस इज द माउंटेन पीक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द हिमालयन रेंजेस. इट टेक्स अ यू टर्न एंड इट एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉज. तो यहाँ पर आपको सीधे मैप पे जाना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र. तो अगर आप देखो तो ये हमारा समवेयर मानसरोवर का ये रीजन है अपना, ठीक है. तो मानसरोवर से आपने इंडस रिवर के ओरिजिन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर के ओरिजिन की भी बात करते हैं बच्चों, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी इन द फर्स्ट सेशन आई हैव एक्सप्लेन कि किसी भी रिवर का ना पूरे फ्लो की पूरे जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो एक ओरिजिन होता है जहां से रिवर इट ओरिजिनेट्स एंड फ्लोज इन डिफरेंट पाथ्स एंड टेक्स अप डिफरेंट पाथ्स, राइट. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, यहाँ से फ्लो करते करते तिब्बत के रीजन से फ्लो करते करते, और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तिब्बत के पास जो रिवर ब्रह्मपुत्र है उनका नाम ब्रह्मपुत्र वहाँ पे नहीं होता, दैट इज सांगपो. नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट एवरीवन नीड्स टू कीप इन माइंड हियर, ठीक है. तो सांगपो इधर ऐसे ऐसे फ्लो करते करते इंडिया की तरफ किधर से आते बच्चों, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नामचा वर्मा. दिस इज द माउंटेन पीक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस रीजन. यहाँ से क्रॉस करते करते ये अपना अरुणाचल प्रदेश का रीजन है. यहाँ से क्रॉस करते करते ये अपना ब्रह्मपुत्र रिवर इट एंटर्स इन आर कंट्री इंडिया, ठीक है. नाउ हियर अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट इट इज जॉइंड बाय दिबांग, लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन आसाम. अब यहाँ पर जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में डेफिनेटली द नेम गेट्स चेंज्ड. नाउ इट इज नो मोर नोन एज सांगपो, इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, और ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स होते हैं बच्चों जो अपने फ्लो अपने पूरे जर्नी के क्रम में क्या होता है वो किसी मेन रिवर को ज्वाइन करते हैं. जैसे इंडस और गंगा में भी आपने बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा. हियर ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ओके. सो यहाँ पर बस आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रखा है, मैप को देखो एंड पूरे लॉजिक से समझो. यहाँ पर अपना लोहित, सुबानसरी, ये सब आपके इंपॉर्टेंट, तीस्ता, दिबांग, इन सब की जब हम बात करते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है रिवर ब्रह्मपुत्र के. अब यहाँ पर आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं ना, तो ब्रह्मपुत्र आफ्टर फ्लोइंग टुवर्ड्स यू नो आसाम से फ्लो करते करते अपना कट लेते लेते इट एंटर्स इन द रीजन ऑफ बांग्लादेश, दैट इज वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. और वहां पे बांग्लादेश में यहां पर नाम चेंज होके जमुना हो जाता है, ठीक है. यमुना अपना दूसरा रिवर है इंडिया में, बट ये जमुना इट इज नोन, ब्रह्मपुत्र इज रीनेम्ड एज जमुना इन बांग्लादेश. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन यू गाइस, ओके. अब यहां पर अगर हम बात करते हैं अबाउट द ट्रिब्यूटरीज, आप देख सकते हो दिबांग की अगर हम बात करें, ठीक है, और अगर हम सियांग की बात करें या फिर हम लोग यहाँ पर देहांग की बात करें, ये आपके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है रिवर ब्रह्मपुत्र के. लोहित की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसे फ्लो करते करते इस तरीके से आप देख सकते हो. दिस इज द रिवर बेसिन ब्रह्मपुत्र दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब देखो बच्चों, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ. इस टॉपिक में आपके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं. अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्या है दैट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन ऑफ तिब्बत, आप सभी बच्चों को पता है कि ये अपना जो रीजन है ना, ये थोड़ा ड्राई रीजन होता है, प्लैट्यू रीजन है. तो यहाँ पर आपका जो रिवर का फॉर्मेशन होता है या फिर रिवर के फ्लो की अगर हम बात करते हैं, इट इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, राइट, कैरिंग अप ऑफ सिल्ट, और उसी सिल्ट और सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है, राइट, जिससे आपने डेल्टा और इन सब के फॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो यहाँ पर जब हम तिब्बत रीजन की बात करते हैं, वी सी दैट ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर सांगपो की अगर हम बात करते हैं ना, तो इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ वॉल्यूम. क्यों भाई? क्योंकि ड्राई रीजन है, तो यहाँ पर आपको वाटर की जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं मिलती है. लेकिन जैसे ही इंडिया में एंटर करती है ना, वी सी दैट ये ब्रह्मपुत्र का अपना जो वॉल्यूम है ना, वो काफी ज्यादा हो जाता है. नाउ यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ फ्लड्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन आसाम. What is the reason behind it? We are talking about river Brahmaputra, that is the silent killer. I mean, I have visited Assam, I have visited Meghalaya, and I've seen river Brahmaputra in front of me. आपको पता भी नहीं चलेगा river के current को. आप देख के कहोगे यार it's so normal. इसमें current क्या है? I mean, I had to go to some place Brahmaputra river के बीच में there is Shivji का मंदिर. तो I had to go to that place. बट आई आस्क्ड फेरी, वहाँ पे फेरी के थ्रू लोग यहाँ से वहाँ कम्यूट करने की कोशिश करते हैं, राइट. तो फेरी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आसाम के रीजन में, राइट. तो यहाँ पर लोग आ नहीं पा रहे थे. I mean, दूर से मुझे एक फेरी दिखा जो एकदम ऐसे बिल्कुल वो डगमगाने की सिचुएशन में थी. तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ नोन एज द साइलेंट किलर.
and it carries a large volume of water and considerable amount of silt, जो पूरा erosion और अपना deposition का पूरा जो process है, activity है, takes throughout the whole journey of river Brahmaputra in the northeastern part. Now every year during the rainy season we see that the river it overflows its bank because of the rise in the volume of the water, जो कि हर rainy season में आप कभी ना कभी news में पक्का सुनोगे, बाढ़ के आने की सूची मिल जाती है, floods के आने का situation हो जाता है, and it causes a widespread devastation because of the floods that are caused in Assam and the region of Bangladesh. So here when we are talking about the river, you can see at this image here. Now students, let us talk about the peninsular rivers. अब हमें अब peninsular rivers के बारे में समझना है. मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस chapter में आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है कि डेटा आपको याद रखनी है, आपको नाम याद रखने हैं सारे रिवर्स के, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, उनका ओरिजिन कहाँ हुआ था. ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न में आ सकते हैं, तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखना है. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पेनिनसुलर रिवर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टू रिवर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. सो वन इज दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द हिमालयन रिवर्स, द सेकंड बीइंग द पेनिनसुलर रिवर्स. नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स, you just have to think about the peninsular part of the country. It means that we are talking about the southern part of the country. Now north ke bare mein to humne discuss kar liya, teen important river system ka apna interplay interface hai yahan pe, aur yahan par jab hum peninsular rivers ki baat karte hai to bahut sare important rivers hai that flows in the peninsular part of the country. To yahan par starting with Narmada, then we have Tapi, we have Mahanadi, Krishna, Godavari and Kaveri. अभी इन सारे रिवर्स के बारे में बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा, जो बच्चे यहाँ पर साउथ इंडिया से होंगे वो डेफिनेटली दे माइट बी नोइंग अबाउट दीज रिवर्स, राइट और नॉट. काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स है अपने सदर्न इंडिया के. तो यहाँ पर अगर हम लोग एक बार रिवर सिस्टम को समझ लें कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में याद रखना है, तो सबसे ऊपर अपना बाई डिफॉल्ट याद रखो नेम से नर्मदा, देन वी हैव तापी. इधर हम बात करें उड़ीसा के रीजन की जहां से क्रॉस करते हैं अपना महानदी, देन वी हैव गोदावरी, देन वी हैव कृष्णा एंड एट लास्ट वी हैव कावेरी. तो ये आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स है, नाम से कंफ्यूज मत होना, कावेरी को कावेरी भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है. ब्रिटिश टाइम से इसको इस टर्म से यहाँ पर डिनोट किया जाता था, ओके. तो यहाँ पर बच्चों जब हम बात करते हैं इस रीजन की तो आपको याद रखना है क्या क्या इंपॉर्टेंट रिवर्स है, उनके ओरिजिन के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए. सो फर्स्टली लेट अस टॉक अबाउट नर्मदा. अब एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ दैट यू गाइज हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स, जिसमें आप लोगों ने देखा दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स, उनका जो कोर्स होता है दैट इज शॉर्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द हिमालयन रिवर्स, राइट. क्योंकि हिमालयन रिवर्स की जब हम बात करते हैं तो उनका ओरिजिन माउंटेन से होता है और ग्लेशियर फॉर्मेशन और इन सब की वजह से क्या होता है कि रिवर्स में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ सेडिमेंट्स और सिल्ट का यहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस चलता रहता है. लेकिन वही जब हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं ना तो इनका जो कोर्स होता है बच्चों, इनकी जो जर्नी होती है वो थोड़ी शॉर्ट सी होती है, ठीक है. तो यहाँ पर अपने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में तो आपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में पढ़ रखा है. अब इन्हीं घाट से अपना कट अक्रॉस करते हुए, माउंटेन से कट अक्रॉस करते हुए, ये आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स है. दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी देना चाहती हूँ दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, आपके दो इंपॉर्टेंट है जिनको साइड पहले ही कर दो. वी आर टॉकिंग अबाउट नर्मदा एंड तापी. नाउ दीज आर द ओनली टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन सदर्न इंडिया और लेट्स से द पेनिनसुला रीजन, ठीक है. बाकी आपके जितने भी रिवर्स है, चाहे वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं. वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहने का क्या मतलब है कि फाइनली जब हम नर्मदा और तापी की बात करते हैं ना, ये कहाँ जाकर मिल जाते हैं बच्चों, दे गो एंड दे गेट डिपॉजिटेड इन अरेबियन सी. बाकी अगर हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करते हैं, यानी कि कावेरी, महानदी, कृष्णा और गोदावरी की, दे गो एंड मिक्स अप विद बे ऑफ बंगाल. ये आपको एक लॉजिक है जो सभी बच्चों को समझना है. अब नर्मदा की अगर बात हो रही है तो वी सी दैट नर्मदा का यहाँ पर ओरिजिन कहाँ हो रहा है, अमरकंटक हिल्स, दैट इज इन मध्य प्रदेश. नाउ इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्टिंग हिल. नाउ ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और जितने भी आपके यू नो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज, छोटे छोटे रिवर्स है ना, दे जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स. नाउ लेट अस ट्राई टू हैव अ लुक एट द नर्मदा रिवर बेसिन. तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का अपना रीजन है बच्चों, ये अपना अमरकंटक है,
ठीक है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द रिवर दैट इज नर्मदा. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्लो करते करते, अब ये वेस्ट रीजन में फ्लो कर रहा है अपना रिवर, डू नॉट फॉरगेट दैट. अब यहाँ से फ्लो करते 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 आप देख सकते हो दैट इट गोज एंड मिक्स अप इन द अरेबियन सी. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके छोटे छोटे जितने भी आपके ट्रिब्यूटरीज है ना, दे ज्वाइन द रिवर, द मेन रिवर हियर एट राइट एंगल्स. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सभी बच्चों को याद रखनी है. ठीक है, अब जब हम नर्मदा के पूरे कोर्स की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉल्स और बहुत सारे छोटे छोटे सीनिक ब्यूटी वाले प्लेसेस हैं जहां पे आप देखोगे कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नर्मदा रिवर. वहां पे बहुत अच्छे अच्छे रॉक फॉर्मेशन और इन सबको आप वाटरफॉल्स को देख सकते हो. यू कैन गो एंड विजिट दैट क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस आपको मिलेगा. ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं अबाउट द ओरिजिन, अमरकंटक सभी बच्चों को याद होना चाहिए. ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा अपना रिवर नहीं है बट येट आपके बुक में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से नर्मदा रिवर भी काफी ज्यादा पोल्यूट हो रखा है. जैसे जब हम गंगा रिवर की बात करते हैं, यमुना की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र, जितने भी आपके रिवर्स हैं, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ये सारे रिवर्स कहीं ना कहीं पोल्यूट हो रहे हैं और इनको सेव करना इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वैसे ही नर्मदा के लिए भी अपना एक नमामि प्रोग्राम चला था. ठीक है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. ये प्रोग्राम कब इनिशिएट किया गया था, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें की गई थी. ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप बुक से देख सकते हो. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द तापी रिवर, अगेन नर्मदा सबसे ऊपर, उसके नीचे तापी रिवर की हम बात कर रहे हैं. नाउ तापी रिवर इट राइजेस इन द सतपुरा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. एक चीज कॉमन क्या है नर्मदा और तापी में, दोनों का जो यहां पर ओरिजिन है बच्चों सेम स्टेट्स है, दैट इज मध्य प्रदेश. एक का अमरकंटक हिल्स और दूसरा अपना सतपुरा रेंजेस से. ठीक है, अब यहां पर आप देखो इट आल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा. बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है, कभी भी अगर आप मैप देखोगे पेनिनसुला रिवर्स के लिए तो यहाँ पर नर्मदा और तापी की जब हम बात कर रहे हैं, लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन सो दैट यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ पर आप देखो कि कैसे याद रखना है, हमेशा एंड और टी का फॉर्मेशन याद रखना बच्चों. पहले अपना नर्मदा है, उसके नीचे पैरेलल बिल्कुल तापी रिवर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप जाहिर सी बात है कि जब नर्मदा के कोर्स की हम बात करते हैं, ये अपना कोर्स जो है ज्यादा बड़ा है नर्मदा रिवर का, और वही अगर तापी की बात करते हैं तो इसका जो कोर्स है बच्चों वो थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नर्मदा. राइट, सो हियर वी सी दैट इट बेसन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. तो यहाँ पर आपको धीरे से छोटी सी बात जो याद रखनी वो क्या है, ये अपना सतपुरा रेंज है. अगेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो सभी बच्चों ने पढ़ रखी है. यहाँ पर सतपुरा रेंज से अपना ओरिजिन होता है, बैतूल प्लेट्यू यहाँ पर है बच्चों, यहाँ से तापी का ओरिजिन होता है. ऐसे फ्लो करते करते आप देखो ये आपके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज है जो कि यहाँ पर तापी रिवर को, तापी रिवर से वो मिक्सअप कर जाते हैं. चाहे वो मैं पंजारा की बात कर रही हूँ, गिरना की बात कर रही हूँ या फिर मैं पूर्णा की बात कर रही हूँ, ये आपके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है एंड इट देन फ्लोस थ्रू दिस रीजन एंड गोज इन टू द अरेबियन सी. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपर तापी बेसिन है, ये अपना मिडिल है और ये अपना लोअर तापी बेसिन है. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द रिवर दैट इज महानदी. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर महानदी, सभी को बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कौन कौन से रीजन के बारे में पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड. ठीक है, महाराष्ट्र का भी अपना थोड़ा सा रीजन है. अब महानदी रिवर की जब बात करते हैं कहाँ पे राइज करता है, सो इट राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़. अब इस रिवर का जो अपना लेंथ है इट इज अबाउट 860 किलोमीटर. ड्रेनेज बेसिन की अगर हम बात करते हैं, ड्रेनेज बेसिन किसको कहते हैं बच्चों, द रिवर अलोंग विद द ट्रिब्यूटरीज जो पूरा एरिया वो शेड करते हैं ना, वो अपना ड्रेनेज बेसिन कहलाता है. और यहाँ पर ड्रेनेज बेसिन का फॉर्मेशन होता है, इट इज शेयर्ड बाय द स्टेट्स दैट इज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा. अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग महानदी रिवर के ओरिजिन के बारे में देख रहे हैं. तो छत्तीसगढ़ बाय डिफॉल्ट सभी बच्चों को पता होना चाहिए, राइट. और इसी पे आप देखोगे हीराकुड डैम के बारे में है ना, जो कि आपने कहाँ पे पढ़ा है भाई, उड़ीसा में. ओके, तो हर एक रिवर के बारे में जब भी आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं उनके फ्लड, अगर मान लो कि रिवर में अगर ट्रिब्यूटरीज के आने की वजह से फिर बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है रिवर का, तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं सो दैट फ्लड को कंट्रोल कर लिया जाए, पानी को वहां पर बचा लिया जाए, ब्रेक करते हुए उनके स्पीड को, ठीक है, वेलोसिटी को. तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ये हम महानदी रिवर की बात कर रहे हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है. अब जरूरी नहीं कि हर एक रिवर के ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप याद रखो, बाय डिफॉल्ट जस्ट रिमेंबर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर रिवर गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. और अगर मैं साउथ की बात करूं तो गोदावरी के बारे में बस पढ़ना ट्रिब्यूटरीज का, बाकी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपके एग्जाम में नहीं आएगा.
लेंथ और ये सब और ओरिजिन के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर हम पेनिनसुला, जैसे आपको पता है कि जब हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं तो अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रिवर सिस्टम है वो है गंगा रिवर सिस्टम, राइट। वैसे ही जब हम गोदावरी की बात करते हैं, पेनिनसुला रिवर्स में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज गोदावरी। व्हाई? इट इज दी लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और इसीलिए इनको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गोदावरी, प्लीज रिमेंबर दैट वी कॉल गोदावरी एज दक्षिण गंगा। यानी कि अगर गंगा नॉर्थ में, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स, राइट और नॉट? राइट, सबसे लार्जेस्ट बेसन अगर नॉर्थ हिमालय रिवर्स की हम बात करें तो वो गंगा रिवर बेसन है, राइट। तो यहाँ पर पेनिनसुला रिवर्स में गोदावरी अपना लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर है, दैट इज वाई उनका नाम ऐसे साउथ सदर्न पार्ट में, तो इसलिए दक्षिण गंगा कहा जाता है। ओके, नाउ इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब यहाँ पर आपको मैप में थोड़ा समझना है दैट दिस इज द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, नासिक डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है बच्चों, वहां से अपना ये रिवर गोदावरी का फ्लो करते हुए इट पासिस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स, राइट। सो गोदावरी इज जॉइंड बाई ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, इसमें आपको ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा ध्यान में रखना होगा, पुन्ना, वर्धा, प्रंता, मांचरा, वैनगंगा एंड पेनगंगा, ये आपके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जिसके बारे में बाय डिफॉल्ट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ तो ये आपके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, वर्धा, वैनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, धरना, ये मांचरा, ये आपके इंपॉर्टेंट है जो आप बाय डिफॉल्ट याद रखना बच्चों, ये आपके गोदावरी का फ्लो ऐसे चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, और इस तरीके से फ्लो करते करते बे ऑफ बंगाल में इट एंटर्स। ओके, नाउ दिस इज द गोदावरी रिवर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। कभी अगर आप साउथ इंडिया गए, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश अगर आप गए या फिर आप उड़ीसा बट आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब के रीजन में गए तो आपको पक्का पक्की गोदावरी रिवर यू विल फाइंड दैट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर कृष्णा, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सो इट इज राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर द कृष्णा, इट फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड इट रीचेस बे ऑफ बंगाल, ठीक है, 1400 किलोमीटर, ये डेटा है जो सभी बच्चों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा या फिर मूसी या फिर भीमा की हम बात कर रहे हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा पता होना सभी बच्चों को चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अपना गोदावरी, उसके जस्ट नीचे अपना कृष्णा रिवर का फ्लो है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको जनरली ये याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी फ्लो फ्रॉम दिस रीजन, ऐसे ऐसे करके अपना फ्लो करते हुए ये बे ऑफ बंगाल की तरफ इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम भीमा रिवर की बात करें, तुंगभद्रा की बात करें, ये आपके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जिसके बारे में सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ओके, नाउ जस्ट हैव अ लुक, ये अपना रिवर है बच्चों, ठीक है, ये अपना भीमा रिवर है, ये अपना कृष्णा रिवर है, यहाँ पर तुंगभद्रा है, यहाँ से मिलते 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 यहाँ पर नागार्जुन सागर डैम है आपका, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर मैप में पता होना चाहिए। जस्ट लुक एट द मैप वंस, आपको यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज याद हो जाएंगे। नहीं याद हुए तो आपको यहाँ पर डेटा बनाना पड़ेगा, एक टेबल बना लेना और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में लिख लेना, तो एक दो बार देखोगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाना है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट रिवर हियर, दैट इज कावेरी। नाउ कावेरी की जब हम बात करते हैं, इट राइजेस इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब आपको बाय डिफॉल्ट इतना पता होना चाहिए कि जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें, या तो वो ईस्टर्न घाट की तरफ से नहीं तो वेस्टर्न घाट की तरफ से। अब एक चीज तो सभी बच्चों को पता है कि आपके दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यानी कि मध्य प्रदेश से ओरिजिन होते हुए अपना दो रिवर है नर्मदा एंड तापी, बाकी जितने भी आपके हैं वो ईस्ट फ्लोइंग है, यानी कि वेस्टर्न घाट्स की तरफ से ओरिजिन होते हुए वो ईस्टर्न साइड यानी कि ईस्टर्न घाट की तरफ आते आते बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाते हैं। ये लॉजिक है जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ब्रह्मगिरी रेंज से अपना वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है कावेरी रिवर का, इट रीचेस बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कडलोर जो कि तमिलनाडु में। टोटल लेंथ जो इस रिवर का है वो 760 है, कम है किससे भाई, अगर हम गोदावरी या कृष्णा की बात करते हैं। मेन ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करते हैं, अमरावती, भवानी, हेमवती एंड कावेरी, ठीक है। अब यहाँ जो इस बेसिन की बात कर रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज को ये ड्रेन करते हुए जाती है, वी आर टॉकिंग अबाउट कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपको कावेरी रिवर देखना है बच्चों, इस तरीके से ब्रह्मगिरी हिल से यहाँ पर ओरिजिन करते करते इस तरीके से तमिलनाडु के रीजन में फ्लो करते करते ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रीजन से अपना कर्नाटका का, तमिलनाडु का, राइट। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमेशा आप बच्चों ने कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा होगा, तो इसके लिए ट्राइब्यूनल बनवाया गया था क्योंकि दो स्टेट्स के बीच में यहाँ पर हमेशा लड़ाई हुई है फॉर द वाटर ऑफ कावेरी कि कितना कौन शेयर करेगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजंस ऑफ तमिलनाडु एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन ऑफ कर्नाटका हियर। तो हमेशा इनके बीच में कॉन्स्टेंट फाइट हो रखी है और यहाँ पर फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, यहाँ पर कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन हुआ है और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जब हम रिवर इंडस की भी बात करते हैं तो इंडस वाटर ट्रीट
ट्रीटी के बारे में भी आपने पढ़ा था कि जब पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है तो यहाँ पर वाटर शेयरिंग का जो कॉमन पॉइंट है ना, वो आपको कहीं ना कहीं अगर दो कंट्रीज के बीच में आपको कोई कॉमन वाटर दिख जाए, कॉमन ओशन या आपको ऐसा सी मिल जाए, तो डेफिनेटली डिस्प्यूट का रीजन बन जाता है कि कौन रीजन कितना वहाँ से पानी यूज कर सकता है. बिकॉज एंड ऑफ द डे आप यहाँ पर इस चैप्टर में भी यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर इन इकोनॉमी. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डैम्स को बनाया गया है. और डैम्स को यहाँ पर क्या बंद कर दिया जाता था तो रिवर का फ्लो नहीं होता था. तमिलनाडु में लोगों को प्रॉब्लम, कर्नाटका में लोगों को प्रॉब्लम. तो इस तरीके से इसके बारे में थोड़ा आपको समझना चाहिए और आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकाल सकते हो. द लास्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज लेक्स. अभी बच्चों आप लोगों ने कभी ना कभी मम्मी पापा के साथ कहीं ना कहीं ट्रिप तो लगाई होंगे. हो सकता है कभी कुछ बच्चे हो सकता है सदर्न इंडिया में कहीं घूमने गए होंगे. आप अगर राजस्थान गए होंगे या फिर आप अगर आसाम गए होंगे, अगर आप अरुणाचल प्रदेश गए हो या फिर आप कश्मीर गए हो, तो कश्मीर में सबने डाल लेक के बारे में सुना होगा, वुल्लर लेक के बारे में सुना है, सांबर लेक के बारे में सुना होगा, चिल्का लेक के बारे में सुना होगा उड़ीसा में. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में अपने कंट्री में तो लेक्स के बारे में सभी ने सुना है ना. तो यहाँ पर जब हम लेक्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली दे ऐड टू द ब्यूटी, द सीनिक ब्यूटी ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस. और बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे होते हैं लेक्स पे बैठ के. जब सनसेट का नज़ारा देखो तो उफ, इट हैज़ नो डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स, राइट. तो यहाँ पर लेक्स की जब बात हो रही है बच्चों, तो आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. जितने भी हमारे कंट्री में लेक्स है ना, दे हैव डिफरेंट साइज एंड फीचर्स. तो हर एक लेक का अपना कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो मैं दाल लेक की बात करूँ, सांबर लेक की बात करूँ, चिल्का लेक की बात करूँ, वुल्लर लेक की बात करूँ, सबके ओरिजिन का रीजन डिफरेंट हो जाता है. कुछ आपके इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिसका फॉर्मेशन होता है ग्लेशियर्स की वजह से. कुछ आपके रिवर्स ऐसे हैं जो कि सीजनल होते हैं नेचर में, मतलब कहने का है कि थ्रू आउट द ईयर, जरूरी नहीं कि उसमें पानी हो, राइट. तो इस तरीके से यू नीड टू रिमेंबर दैट ऑल द लेक्स दैट हैव बीन फॉर्मड, इट कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन टू इन द फॉर्म बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज थ्रू द डिफरेंट एक्टिविटीज हियर. चाहे वो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हो, चाहे वो यहाँ पर यू नो ग्लेशियल फॉर्मेशन की वजह से हो, चाहे वो हम लोग बात करें अबाउट नॉर्मली कि किसी रिवर से कट आउट होते हुए, ठीक है, ऑक्सपो लेक और इन सब का फॉर्मेशन हो गया, राइट. तो अगर हम लेक्स की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके के नज़ारे आप देख सकते हो अपने कंट्री में भी. तो माउंटेन से गुजरता हुआ, राइट, या फिर किसी रीजन से अपना पास आउट करता हुआ. तो इंडिया में आपके जितने भी लेक्स हैं, थोड़ा बहुत आपको नाम तो याद रखना होगा, मैप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, तो अपना वुल्लर लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. राजस्थान में सांबर लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर उड़ीसा की बात करें तो चिल्का लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग कौन से और किस रीजन पे चले, जल्दी से बताओ कौन से रीजन पे चले बच्चों, तो यहाँ पर आपके चार पांच ऐसे तो 10 इंपॉर्टेंट है. अगर हम यहाँ पर केरला कर्नाटका के रीजन की बात करें या फिर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें, कोलेरू लेक काफी इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ऐसे आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक्स है बच्चों जो कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको मिलेंगे. दैट एड्स टू द सीनिक ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. लेकिन लेक्स के फॉर्मेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. दो इंपॉर्टेंट नेम्स यहाँ पे जो आप पढ़ोगे, दैट इज मेंडर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और दूसरा अपना होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक्स. अब शुरुआत से आप बच्चों ने क्या पढ़ा है कि किसी भी रिवर के कोर्स में हमेशा सेडिमेंटेशन, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, कि मतलब एक तरफ से सिल्ट को उठाते हुए, कैरी करते हुए, उस रीजन को इरोड करते हुए रिवर क्रॉसेस. जब रिवर का बहुत ही ज्यादा फ्लो होता है, राइट, वो वहां से जितने भी सिल्ट और सेडिमेंट्स, छोटे छोटे पेबल्स ये सब भी होते हैं ना, सबको कैरी करते हुए रास्ते में अपने कोर्स में ले जाते हैं. और उसके बाद क्या होता है कि जैसे रिवर का स्पीड अपना वेलोसिटी थोड़ा सा कमता जाता है, वो सब कुछ डिपॉजिट करते जाते हैं डिफरेंट एरियाज में. तो ये कॉन्स्टेंट जो अपना प्रोसेस है ना इरोजन और डिपोजिशन का, वो कॉन्स्टेंटली अपना चलता रहता है. अब इसी बीच में आप किसी भी रिवर की बात करो, तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि हमेशा रिवर जो है वो एक ही पाथ को यहाँ पर फॉलो कर रही है. एक स्ट्रेट लाइन में कभी आपने रिवर को फ्लो करते हुए देखा है? नहीं ना. वो हमेशा यहाँ पर zigzag मूवमेंट में पास ऑन करते रहते हैं, ऐसे, इस तरीके से. स्नेक, जैसे स्नेक का अपना मूवमेंट होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, उस तरीके से अपने रिवर्स का भी फॉर्मेशन और यहाँ पर उनकी जर्नी इस तरीके से होती है. तो यहाँ पर मेंडर्स का फॉर्मेशन होता है विद द कॉन्स्टेंट एक्टिविटी ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट एंड सेडिमेंट्स बाय एनी पर्टिकुलर रिवर. तो ये मेंडर्स क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ. और उसके बाद ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन क्या होता है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है. अ मियांडरिंग रिवर, इट अक्रॉस एनी फ्लड प्लेन, ठीक है, चाहे वो गंगा की मैं बात करूं, चाहे वो मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं, किसी भी फ्लड प्लेन एरिया की अगर हम बात करते हैं, इट फॉर्म
फॉर्म्स कट ऑफ्स दैट लेटर डेवलप्स इनटू द ऑक्सपोलेक्स. ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि मेंडर और ऑक्सपोलेक है क्या. तो मेंडर का फॉर्मेशन क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे कि रिवर्स जो है ना, जैसे वो बेंड करते हैं ना, तो अपना एक छोटा सा रीजन बनाते हुए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन का पूरा प्रोसेस चलता है. तो यहाँ पर आप देखो दैट वेयर देयर इज लेस वाटर ऑन द इनसाइड देयर इज मोर फ्रिक्शन एंड स्लोअर फ्लोइंग वाटर. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से अपना क्या होता है, इरोजन का प्रोसेस चलता है. और यहाँ पर जैसे जैसे अपना जो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होना, वॉल्यूम अगर वाटर का कम होता है, तो यहाँ पर डिपोजिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. फिर अगर अपना करंट तेज हुआ तो फिर अपना इरोजन का प्रोसेस चलता है, फिर अपना डिपोजिशन का प्रोसेस चलता है. तो इस तरीके से मेंडर का फॉर्मेशन होता है विद द फ्लोइंग ऑफ एनी पर्टिकुलर रिवर. तो कभी भी अगर आप ऐसे कहीं भी किसी भी एरिया में जाओ और रिवर के ऐसे फ्लो को देखो, तो ये समझो कि ये आपके मेंडर्स के फॉर्मेशन के बारे में बात किया जा रहा है. द ज़िगज़ैग मूवमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब इसी मेंडर के फॉर्मेशन के वजह से क्या होता है बच्चों, कि आपको सर्कल और ट्राइंगल के बारे में समझना है. कि जब हम सर्कल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपना एरिया ऑफ डिपोजिशन है. मतलब क्या है भाई, कि ये जो अपने सिल्ट यहाँ से उठाए गए थे, इनको वापस से डिपोजिट कर दिया गया. मान लो कि यहाँ से सिल्ट का क्या हुआ है, इरोजन हुआ है. मान लो यहाँ पर छोटे 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 आपके सिल्ट और सेडिमेंट्स थे, रिवर का यहाँ पर अपना करंट जो है काफी तेज है, वो यहाँ पर आते 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 क्या हुआ, अभी इनका एक कट आने लगा. कट आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा अपना फ्लो कम होता है और यहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है, फिर अपना इरोजन होता है, फिर अपना डिपोजिशन होता है. अब ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस अपना चल रहा है. ठीक है, लेकिन फ्लड के टाइम पे क्या होता है, किसी भी रिवर में मान लो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कभी भी रेनी सीजन में आप किसी भी रिवर के बारे में देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी अपना रेनी सीजन भी चल रहा है, चारों तरफ देश में बारिश ही बारिश, हर जगह बारिश ही बारिश है, और हर जगह आपने कहीं ना कहीं फ्लड के कंडीशन के बारे में सुना ही होगा, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है कि रिवर अपने पूरे कोर्स में क्या करते हैं ना, ड्यूरिंग द फ्लड दे चूज द शॉर्टेस्ट पाथ हियर. ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ चूज करने के चक्कर में क्या होता है कि ये अपना मेंडर का फॉर्मेशन हो रखा है ना. अब मेंडर के फॉर्मेशन की वजह से ये अपना जो रिवर का कोर्स है वो इस तरीके से अचानक से चेंज हो जाता है. अब ये रिवर अपना इस तरीके से स्ट्रेट कोर्स बना लेते हैं, और इसके अलावा ये अपना जो रीजन है ना, ये कट शॉर्ट हो जाता है. अबैंडन्ड मेंडर और द ऑक्सबो लेक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. मतलब कि मेंडर जो है ना, वो रिवर के मेन हिस्से कट के अपना साइड हो जाता है, और उससे अपने ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है. क्यों होता है भाई, क्योंकि यहाँ पर आपके जो सेडिमेंट्स है वो काफी टाइम से इसी प्रोसेस में क्या हो रहा है, जमा होते जा रहे हैं. बिकॉज रिवर इज फ्लोइंग थ्रू आउट, राइट? तो यहाँ पर अपना सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, इरोड हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, इरोड हो रहा है, और इस चक्कर में क्या होता है कि अपना जो ये ऑक्सबो लेक जो मेंडर है ना, कटी हो जाता है, और अपना जो रिवर है वो अपना नया स्ट्रेट कोर्स बना लेते हैं, और इधर ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है. तो बाय डिफॉल्ट आप कहीं भी कभी भी अगर अगली बार घूमने गए, तो आप ऐसे फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना कि मेंडर्स का फॉर्मेशन का हो रहा है, कहीं पे मेंडर्स की वजह से ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये इंपॉर्टेंट चीज है जो सारे बच्चे ज्योग्राफी को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो प्रैक्टिकली, कहीं अगर अगली बार कोई लेक या फिर कोई रीजन में अगर आप घूमने गए तो. अब यहाँ पर आप देखो कि जब भी हम बात करते हैं हिमालयन रीजन की, मोस्ट ऑफ दी फ्रेश वाटर लेक्स, क्योंकि वहाँ पे सीधे माउंटेन से ग्लेशियल फॉर्मेशन की वजह से अपने लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेश वाटर लेक्स आपको मेनली हिमालयन रीजन में मिलेंगे. जब हम वुलर की बात करें बच्चों, वुलर लेक दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी. बेसिकली ऐसे बहुत सारे रिवर्स है जो यहाँ पर हिमालयन रीजन में आपको दिखेगा कि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, वहां पे पानी अपना बहना शुरू करता है, लेक वेक का फॉर्मेशन हो जाता है. लेकिन एक अपना वुलर लेक है दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटीज, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से अपना ये क्या होता है, इस लेक का फॉर्मेशन हुआ था. नाउ इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. अब आपको ये पता करना है कि वर्ल्ड में अपना सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, कॉमेंट सेक्शन में यू गाइज हैव टू पुट इट. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट सेक्शन में आफ्टर वाचिंग द सेशन यू कैन डू दैट. वी आल्सो कैन से दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लेक, डेफिनेटली इट हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रिवर. फ्लड को कंट्रोल करने में लेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. अब आपके लास्ट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं जो आप अपने बुक में पढ़ सकते हो. छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा बताने वाली कोई चीज नहीं थी. एक हम बात करते हैं अबाउट द हेल्प ऑफ और लेट्स से द एडवांटेज ऑफ रिवर, और लेट्स से द पॉजिटिव पॉइंट्स रिलेटेड टू द रोल ऑफ रिवर इन इंडियाज इकोनॉमी. तो जब भी हम रिवर की बात करते हैं बच्चों, बाय डिफॉल्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि रिवर की वजह से नेविगेशन होता है,
राइट अगर आप किसी भी रीजन की बात करें, इंडिया की ही बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ऑब्वियसली पीपल दे आर ट्राइंग टू नेविगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. ट्रेड रूट्स यहाँ पर आपके बहुत सारे बनते हैं, है ना, वाया सी रूट्स एंड एवरीथिंग. उसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी अपना जनरेट होता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर काम मिलता है, कहीं ना कहीं अपने कंट्री का इकोनॉमी भी इस तरीके से बढ़ता है. सो डेफिनेटली द रिवर्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पंपिंग अप द इकोनॉमी ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, एनी पर्टिकुलर कंट्री दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप अपने बुक में एंड में पढ़ोगे, दैट इज अबाउट द पोल्यूशन दैट इज बीन क्रिएटेड बाई द ह्यूमन एक्टिविटीज. अब अगर हम रिवर के पोल्यूशन के बारे में पढ़े, तो बचपन से आप सब सुन रहे हो कि ह्यूमन एक्टिविटीज, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से हो, चाहे वो डंपिंग अप ऑफ वेस्ट हो, चाहे वो मैं रिवर गंगा की बात करूँ, रिवर यमुना की बात करूँ, ऐसे बहुत सारे आपके रिवर्स हैं जहाँ पर आपकी आज के डेट में गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे नए प्रोग्राम्स लगे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग अमोनिया कंटेंट इन द वाटर बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हैव बीन डन हियर. तो यहाँ पर गंगा से रिलेटेड अपना प्रोग्राम है, नर्मदा से रिलेटेड अपना प्रोग्राम है, उसके अलावा सारे रिवर्स को, ब्रह्मपुत्र, ऐसे जितने भी आपके छोटे या बड़े रिवर्स हैं सबको, यमुना रिवर को सेव करने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज वी हैव सीन that how we have neglected the importance of any particular river, the rivers that we respect, the rivers that we revere, unko kis tarike se hum apni activities ki wajah se pollute kar rahe hain. राइट तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप बुक में कवर कर सकते हो. तो फाइनली बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. गेस कि सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, पुट अप इन द डाउट सेक्शन इन द कमेंट सेक्शन बिलो आफ्टर द सेशन एंड्स एंड आई विल बी हैप्पीली आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस हियर. सो प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू हैवंट, प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज क्लास अपार्ट. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना सो दैट एवरीवन कैन सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर देना. लेट्स Crack it. See you guys in the next class.